स्वागत है आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज जानें क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा और गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, गुरु पूजा और कृतज्ञता का दिन है। इस दिन परमेश्वर शिव ने दक्षिणा मूर्ति के रूप में ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया था और इसी दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्मदिन भी है। उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यूं तो पूर्णिमा हर महीने आती है पर आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु से ज्ञान प्राप्त कर चार महीने तक एक स्थान पर रहकर साधना का अभ्यास करते हैं, जिससे गुरु से प्राप्त शिक्षा उनके जीवन का हिस्सा बन सके। गुरु पूर्णिमा गुरु से दीक्षा लेने, साधना को मजबूत करने और अपने भीतर गुरु को अनुभव करने का दिन है। गुरु को याद करने से हमारे विकार वैसे ही दूर होते हैं जैसे प्रकाश के होने पर अंधेरा दूर हो जाता है। चित्त में पड़े अंधकार को मिटाने वाला कोई और नहीं बल्कि गुरु ही होते हैं। गुरु ही हैं जो जीना सिखाते हैं और मुक्ति की राह दिखाते हैं। गुरु महिमा में कहा है, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरो निष्ठा पर तपः गुरो परंतर नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। यानी गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म हैं, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। भगवान विष्णु का अवतार होने के बाद भी कृष्ण गुरु सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण करते हैं। भगवान राम गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। सामान्य मनुष्य से लेकर अवतार तक गुरु की आवश्यकता सबको होती है। कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात हरि के रूठने पर तो गुरु की शरण मिल जाती है लेकिन गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण नहीं मिल पाती। मनुष्य जन्म चेतना की ऊंचाइयों को छू लेने के लिए मिला है और यह बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरु अपने शिष्य के भीतर असीम संभावनाओं के द्वार खोल देता है। इससे व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर अनंत ब्रह्मांड का अंग बन जाता है। सभी के जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनको श्रद्धा भाव से गुरु खोजना चाहिए। गुरु मिलने पर नतमस्तक होकर अपना अहंकार उनके चरणों में रख देना चाहिए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।